वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकी पर हुकूमती इक़दाम, 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर। परवेज़ खटक, अली अमीन गंडापुर, शामी मुल्क कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, जरताज गुल और नूरुल हक कादरी भी शामिल। शेख रशीद का इस्तीफ़ा भी मंजूर, फहरिस्त जारी। हाथ पाँव भूलने के बाद हमारे अरकान को डी नोटिफाई किया गया। फैसले किस मकसद के लिए हो रहे हैं सब जानते हैं। शामी मुल्क कुरैशी का रद्द अमल। कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए, और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए, और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इनके हाथ पांव भूल गए और फिर इन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से नोटिफाई कर दिया। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। मुशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। खाली होने वाली कौमी असम्बली की 33 सीटों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी। इस्तीफों की मंजूरी इनके गले पड़ जाएगी। जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा इसमें खुद कर गए। सब कहते थे इमरान को सियासत नहीं आती, पाक लेन में कैद तन्हाई काटने वाले मेरे साथ वापस चलें। नून लीग में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी। अच्छे खासे परिंदे नून लीग से उड़ने को तैयार हैं। इन्हें मार्च अप्रैल से कबल इलेक्शन का शेड्यूल देना पड़ेगा। शेख रशीद की मैनचेस्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीडीएम इस्तीफों की मंजूरी के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की 35 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सूबाई असम्बलियां तोड़ने वाले कौमी असम्बली में वापसी की बातें कर रहे हैं। मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। हालात का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं, इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक ना हो सका, मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। कमेटी भी नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन तकर्री करेगा। गवादन ने स्पीकर को मुरासला भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ ने असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त को बतौर का नामजद कर दिया। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद दवा सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर खान के नाम तजवीज। नून लीग मोहसिन रजा नकवी या अहद शीमा की तकरीर के ख्वाहिशमंद। पीटीआई ने इस बेख्तलाफ की नामजदगियां लतीफा करार दे दी। नून लीग की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद मोहसिन रजा नकवी, सहाफत का बड़ा नाम, अमरीका से आला तालीम याफ्ता, CNN से वाबस्ता रहे, अफगानिस्तान में वॉर और टेरर के दौरान जानदार रिपोर्टिंग से आलमी सतह पर नाम कमाया। 2009 में लोकल मीडिया चैनल City42 की बुनियाद रखी। आज 6 न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, एक अखबार भी चला रहे हैं। मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल। दूसरे नामजद आहद चीमा ग्रेड 20 के अफसर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा समरी भी तहलील। गवर्नर ने वजीर आला महमूद खान की तरफ से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए।
कराची का नया मेयर कौन? जोड़ तोड़ का खेल जारी। ओहदे के हुसूल के लिए दो बड़ी पार्टीज का इत्तेहाद जरूरी। 367 अरकान राय शुमारी में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 184 की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी ने एक गलत हरकत की है, एक गैर जमहूरी रवैये का इजहार किया है, लेकिन मैं सिंध इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नाक के नीचे आपके आरओज और डीआरओज नताइज को तब्दील करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर कार्रवाई डाली। जानते थे हल्का बंदियां और वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं। कराची के लोगों ने हमारा साथ दिया। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे आरओज नताइज तब्दील किए। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। जरूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की शाना इजाम कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। बलूचिस्तान का आम खराब करने के हवाले से बैरूनी दुश्मनों के मजमूम अजाइम से आगाह हैं। सूबे में फौज की तायुनाती और ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। आर्मी चीफ का आजम, जनरल आसिम मनीर का खुसदार और बसीमा का दौरा। सिपाह सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग।